आइने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को।, को और आज के अपने इस वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि काफी गंभीर है और उस पर इस समय डिफेंस सेक्टर पे चर्चाएं काफी तेज है और वो ये है कि अचानक से अमेरिका का एफ को लेकर के जो एक्टिव रवैया रहा है भारत के लिए वो क्यों हुआ क्या अमेरिका भारत के एमका प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाना चाहता है डिफेंस ऐसा क्यों मानते हैं कि भारत एक बार फिर से अमेरिकी ट्रैप में फंसता जा रहा है और समय रहते अगर ना निकला गया इससे तो काफी ज़्यादा नुकसान हमको उठाना पड़ सकता है वहीं हम ये भी बात करेंगे कि भारत के डिफेंस सेक्टर के द्वारा एक ऐसी गलती की जा रही है जो अगर नहीं सुधारी गई तो भारत को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आइए इन सारे विषयों पर बात करते हैं आज के अपने इसी वीडियो में दोस्तों इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि भारतीय वायुसेना में जो फाइडर स्क्वाडन का नंबर है वो बहुत कम है बयालीस सैक्शन स्क्वाडन होनी चाहिए लेकिन हमारे पास सिर्फ इकतीस एक्टिव स्क्वाडन है जो कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा कम होंगी और इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की जो खरीद एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत अंतर्गत की जाएगी जो कि 20 बिलियन डॉलर्स की होगी ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी तक इस प्रोग्राम में कोई खास जो प्रोग्रेस है वो देखी नहीं गई है इनफैक्ट अभी तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो भी इशू नहीं किया गया है यानी तकरीबन तीन से चार वर्षों में थोड़ी बहुत प्रोग्रेस ही इस प्रोग्राम में हमें देखने को मिली है एम प्रोग्राम में जो हमें सबसे लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिली हैं वो डिप्टी चीफ ऑफ एयर फोर्स एयर मार्शल नामदेश्वर तिवारी सर के द्वारा मिली है जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये बताया है कि भारतीय वायुसेना अगले दो से तीन महीने में या हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है एम के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त कर लेगी और एक बार जब एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त हो जाएगा तो आगे की जो कार्रवाई है वो काफी तेजी के साथ होगी वही भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी सर ने भी इस चीज को समझाते हुए ये कहा कि 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को कैंसिल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इस समय इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है हालांकि उन्होंने भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम जैसे कि तेजस मार्क वन ए तेजस मार्क टू और एमका का समर्थन किया लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जितना ज़रूरी हमारे लिए इंडिजिनस प्रोग्राम है इस समय उतना ही जरूरी हमारे लिए एमका एमआरएफए को एक वास्तविकता का रूप देना है दरअसल यहाँ पर जो डिले हो रही है इसका सीधा प्रभाव अब इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी में हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तरफ जहाँ पाकिस्तान को चीन लगातार अपने जो आधुनिक फाइटर जेट्स हैं वो सप्लाई कर रहा है और चीन खुद अपने एयरफोर्स में जो एडवांस फाइटर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ा रहा है तो ये सारी चीज़ें भारत के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रही है इंडियन एयरफोर्स के डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात करें तो जो सबसे लेटेस्ट था फाइटर जेट का वो 36 राफेल फाइटर जेट का था जो हमने फ्रांस से खरीदे हैं और भले ही ये जो फाइटर जेट है ये लिमिटेड नंबर्स में खरीदे गए हो लेकिन इनके आने के बाद थोड़ी बहुत भारतीय वायुसेना ने राहत की सांस जरूर ली है लेकिन अब एम टेंडर के अंतर्गत ये माना जा रहा है कि फ्रांस भारत को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का जो प्रस्ताव है वो दे सकता है या दे रहा है ताकि जो डिलेज हैं इनको रिड्यूस किया जाए वहीं रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है फ्रेंच मीडिया में कि फ्रांस काफी ज्यादा सीरियस है भारत में सेकेंड राफेल के जो प्रोडक्शन लाइन है उसको ओपन करने के लिए ताकि न सिर्फ भारत की रिक्वायरमेंट्स को समय से पूरा किया जा सके बल्कि दूसरे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है राफेल के उनको भी फ्रांस यहीं से पूरा कर सके और फ्रांस का ये दावा है कि एमआरएफ ए प्रोग्राम के अंतर्गत सिर्फ एक ही फाइटर जेट है जो जीत सकता है वो है उनका राफेल एफ फोर स्टैंडर्ड जिसको लेकर के भारतीय वायुसेना शुरुआत से ही अपना इंटरेस्ट प्रदर्शित करती रही लेकिन जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तो यहाँ पर एक और नई रिपोर्ट हमें देखने को मिली है जो कि एफ थर्टी फाइव ए को लेकर के है डिफेंस एक्सपोर्ट्स ये मानते हैं कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का जो एफर्ट है फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को पिच करने का वो कोई एक महासंयोग नहीं है बल्कि अमेरिका बहुत सोचे समझे ढंग से ये चीज भारत के सामने प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अमेरिका को एक चीज समझ में आ चुकी है कि उनके एफ ट्वेंटी वन या एफ फिफ्टीन ई एक्स के जीतने के जो चांसेस हैं वो काफी कम है और ऐसे में अमेरिका इतनी बड़ी डील को गवारा नहीं चाहता और वो अमेरिका एफ थर्टी फाइव का जो ऑफर है वो भारत को देना चाहता है डिफेंस एनलिस्ट ये भी मानते हैं कि यूएन एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज अच्छे से पता है कि फ्रांस कैसे एमआरएफए टेंडर को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है और इसी के रिस्पांस में अमेरिका भी इसको काउंटर ऑफर करने के लिए तैयार है जहां पर राफेल के लिए वो एफ थर्टी का प्रस्ताव भारत को दे रहे हैं और माना जा रहा है कि ये जो प्रस्ताव होगा ये भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत होगा यानी अगर एफ थर्टी फाइव भारत को ऑफर किए जाते हैं तो वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का प्रस्ताव है वो अमेरिका के द्वारा भारत के सामने रखा जाएगा हालांकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका भारत को ये बेचेगा या भारत इनसे लेगा लेकिन यहाँ पर इस समय जिस प्रकार की हरकतें अमेरिका के द्वारा देखी गई हैं उसको देख करके हम इस संभावना से इंकार नहीं कर सकते कि आने वाले निकट भविष्य में अगर एफ थर्टी भारत को ओपनली अमेरिका के द्वारा ऑफर किए भी जाते हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका इस समय भारत के जो फिफ्थ जनरेशन फाटरे का प्रोग्राम है इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है आइए इस पर भी बात कर लेते हैं अब यहाँ पर जो डिफेंस कम्युनिटी है वहाँ पर यह डिस्कशन काफी लंबे समय से चल रहा है है उसके पीछे की की एक वजह भी अगर हम भारत के जेट प्रोग्राम की बात करें चाहे वो तेजस मार्क टू हो या फिर एमका हो ये पूरी तरीके से इस ऐसी यूएस इंजन पर डिपेंडेंट है अगस्त 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने पांच करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के साथ साइन किया था जहां पर निन्यानबे एफ फोर जीरो फोर जी आई एन ट्वेंटी इंजन की खरीद की गई थी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए उसके बाद एच एल सी एम डी आर माधवन सर ने यह इन्फॉर्म किया कि आगे चल के भारत अमेरिका के साथ जनरल इलेक्ट्रिक एफ फोर वन फोर इंजन को सह विकसित करेगा भारत में ही और इसके लिए जो टेक्नोलॉजीज हैं वो अमेरिका के द्वारा शेयर करी जाएंगी और यह इंजन तेजस मार्क टू प्रोग्राम के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा अक्टूबर 2022 में यह रिपोर्ट सामने आती है कि अमेरिका के द्वारा भारत को 100% जो मैन्युफैक्चरिंग टीओटी है इंजन की वो ऑफर करी गई है फरवरी 2023 नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर अपने तीन दिवसीय विजिट पर अमेरिका पहुंचते हैं और इस दौरान भी कई राउंड्स की जो डिस्कशन है अमेरिका के साथ जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के होती है जहां पर अमेरिका यह भारत को आश्वासन देता है कि वो भारत की हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका खुद चाहता है कि उसका जो डिफेंस कारपोरेशन वो भारत के साथ बढ़े दरअसल अमेरिका को लेकर के डिफेंस एनलिस्ट ये मानते हैं कि टीओटी -टी भले अमेरिका मान जाए लेकिन जब बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की आएगी तो वहां पर भारत के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं दरअसल इस चीज से कोई सरप्राइज भी हमको नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार का हमें यहाँ पर आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अमेरिका जाना ही जाता है हर डील में जो स्ट्रिंग्स है उनको अटैच करने के लिए लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के ऊपर प्रेशर की तो फ्रांस का बन रहा है क्योंकि अमेरिका को अच्छे से पता है कि अगर भारत को हम अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ नहीं लुभाएंगे तो इसका सीधा फायदा एमआरएफ प्रोग्राम में फ्रांस को मिलने वाला है और इसके लिए अमेरिका लगातार भारत के सामने अपने और का दे रहा है। अमेरिका वही देश है जो पहले भारत को एफ थर्टी संसद में एक जो है, है जहां पर भारत को एफ थर्टी देने की बात कही गई थी तो यहाँ पर ये चीजें आप समझिए कि एफ थर्टी फाइव का एयर इंडिया में आना कोई संयोग नहीं था बल्कि अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति का वो एक हिस्सा है डिफेंसिस्ट ये मानते हैं कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा फैलाए गए जाल में फंस भी रहा है और अगर भारत वाकई आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो उन्हें दूसरे देशों के टेक्नोलॉजी से ज्यादा खुद की टेक्नोलॉजी पर आश्रित रहना पड़ेगा क्योंकि वेस्ट कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगी कि इंडिया जैसे देश के पास जो एडवांस टेक्नोलॉजी है खासकर फिफ्थ जेन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी वो उपलब्ध हो और ये मिस्टेक हम पहले भी कर चुके हैं क्योंकि अभी भी हम हाईली यूएस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है अपने इंडिजिनस प्रोग्राम के लिए डिफेंस एनलिस्ट ये मानते हैं कि कावेरी इंजन प्रोग्राम की बात करें तो जो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट था या विजन था वो एक बहुत बड़ा रोल अदा किया था कावेरी इंजन प्रोग्राम के लगभग लगभग फेल होने के लिए लेकिन अगर हमने सही समय पर सही निर्णय लिए होते तो आज ये दिन ही अलग होते और हमारे पास खुद का जो इंजन है वो बन के तैयार हो चुका होता तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद